हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आलू दम। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं, और बहुत ही आसान तरीका मैंने इसमें बताया है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले रखेंगे हम गैस पर एक पैन, या कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं आप। इसमें हम डालेंगे एक चम्मच सरसों का तेल, आप कोई भी खाने वाला तेल ले सकते हैं। सबसे पहले इसमें 8 से 10 लहसुन और 1 इंच अदरक डाला मैंने। उसको 1 मिनट के लिए मैंने पका लिया था। इसके बाद मैंने यहाँ पर 5 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। प्याज को हल्का गोल्डन होने तक भून लेना है। तो देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, और इसको भी हम सॉफ्ट होने तक पका लेंगे लो फ्लेम पे। टमाटर प्याज को मोटे टुकड़ों में ही काटना है, क्योंकि हमें इसको भी पेस्ट बनाना है। तो यहाँ देखिए टमाटर प्याज हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। गैस को ऑफ कर देंगे, और इसको हम पूरी तरह से ठंडा होने के बाद इसको पीस लेंगे। तो यहाँ मैंने डाल दिया इसको मिक्सर जार में। इसका हम अच्छा स्मूथ पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए टमाटर प्याज का पेस्ट तैयार है। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। दोबारा से मैंने गैस पर पैन रखा है, इसमें वापस से 1 बड़ा चम्मच तेल और डालेंगे। यहाँ मैंने 500 ग्राम छोटे साइज़ का आलू लिया है उबला हुआ। इसको मैंने उबाल कर छील कर ले लिया है। तो आलू दम बनाने के लिए कोशिश करें कि छोटे साइज़ का आलू ले। छोटा वाला आलू का आलू दम ही बनता है ज़्यादा। आलू को हमें अच्छा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है, हर तरफ से अच्छी सी ऊपर से लेयर आने तक। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें 1 चुटकी हल्दी पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। इससे होगा क्या, आलू में काफ़ी बढ़िया सा कलर आएगा, जो कि सब्ज़ी में काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। मिला देंगे हम इसको भी, मसाले को भी, और इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे, मतलब अच्छा गोल्डन कलर आने तक। अभी मैं आपको दिखाऊँगी, मीडियम फ्लेम पे ही करना है आपको। यहाँ देखिए हमारा आलू जो है फ्राई हो चुका है। बस गैस को ऑफ करेंगे और इसको हम रख देते हैं साइड में। अब हम चलते हैं इसके लिए ग्रेवी बनाने के लिए। और यहाँ मैंने कढ़ाई लिया है, इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल, और तेल को अच्छा गर्म होने देंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। 1/2 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, और थोड़े से यहाँ पर मैंने खड़े मसाले लिए हैं, सूखी लाल मिर्च और इलायची है बस। इसको पकने देंगे। इसके बाद इसमें हम टमाटर प्याज का पेस्ट डालेंगे, और मीडियम फ्लेम पे इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से हम भूनेंगे लगातार चलाते हुए। यहाँ देखिए 2-3 मिनट हो चुका है इसको भूनते हुए। स्वाद के हिसाब से यहाँ पर हम नमक डाल देंगे, मिला देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे सूखे मसाले, 2 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला, और 2 बड़ा चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखा कम होता है, और इससे काफ़ी बढ़िया आपको रेस्टोरेंट वाला कलर मिलेगा इसमें। सारे सूखे मसाले को मिला देंगे, और मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक ये कढ़ाई ना छोड़ने लगे, या फिर मसाले से तेल ना छोड़ने लगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि मसाला हमारा भुन गया है। तो देखिए यहाँ पर मसाला जो अच्छे से स्लिप हो रहा है कढ़ाई में से। काफ़ी अच्छे से मैंने मसाला को 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भुना है लगातार चलाते हुए। चलाना आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि जैसे आप चलाना इसको छोड़ेंगे तो तले से लगने लगता है, चिपकने लगता है। अब यहाँ पर ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। तो आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उतना इसमें पानी डाल लीजिए, मिला देंगे मसाले के साथ, और ग्रेवी में हम उबाल आने देंगे। जैसे इसमें उबाल आ जाए इसमें डाल देंगे हम फ्राई किया हुआ आलू। और अब हम इसको लो फ्लेम पे ढक के, या फिर ऐसे ही खुले आप पका सकते हैं 5 से 6 मिनट के लिए। तो लो फ्लेम पे मैंने इसको 5 से 6 मिनट के लिए पका लिया है, और यहाँ पर हमारा आलू दम बनकर के तैयार है।
बस इसमें अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ऊपर से हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। और कसूरी मेथी वैसे टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह आप हरा धनिया डाल सकते हैं। और इसको भी मिला देंगे और इसको हम थोड़ा ठंडा होने के बाद सर्व करेंगे, मतलब 10 मिनट। इससे क्या होता है, ग्रेवी में अच्छा सा टेक्सचर आता है और इसका टेस्ट भी अच्छे से उभर के आता है। तो यहाँ देखिए 10 मिनट ठंडा हो चुका है, अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। कोई भी ग्रेवी वाली जो सब्ज़ी होती है उसको आप तुरंत ही सर्व ना करें, उससे आपको अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। जैसे 10 मिनट ठंडा होता है तो अच्छा से उभर के उसमें अच्छे स्वाद आते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको सर्व कर लिया है और काफ़ी बढ़िया हमारा आलू दम बना है, देख सकते हैं, बिल्कुल लग रहा ना रेस्टोरेंट स्टाइल में, देख करके ही मुँह में पानी आ जाएगा, कितना बढ़िया स्वादिष्ट बना है। आप इसको रोटी चावल किसी के भी साथ खाइए, काफ़ी टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।